हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की के साथ जो रैंक है क्यू के तरफ से मेरे मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, और साथ ही मेरा रैंक क्या बन रहा है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, मैंने टोटल जो अटैम्प्ट किया था वो 91 अटैम्प्ट किया था, ठीक है। 91 अटैम्प्ट में मेरे 9 अनअटैम्प्ट थे, यानी कि 91 अटैम्प्ट किया, 9 मैंने छोड़ा था क्वेश्चन। टोटल मेरे जितने भी अटैम्प्ट थे उसमें से 16 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, और जो राइट हुए हैं वो 25 हुए हैं। तो टोटल पॉजिटिव मार्क देख सकते हैं 150 मेरा आया है, और जो मैंने 16 गलत किया था उसके कारण 8 मेरा डिडक्ट हो गया है। तो टोटल जो मेरा मार्क्स आ रहा है वो 142 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूँ मेरे किस सब्जेक्ट में कितने आए हैं। रीजनिंग में आप देख सकते हैं 24 राइट है, एक रॉन्ग हुआ है, तो रीजनिंग में मेरे 47.5 मार्क्स हैं। जनरल अवेयरनेस मेरे वाले शिफ्ट में बहुत हार्ड सा, तो 9 राइट है, 7 रॉन्ग है, तो 14.5 मेरा जनरल अवेयरनेस में आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने टोटल बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे 4 मेरे गलत हो गए हैं, तो मेरा टोटल 40 मार्क्स मैथ्स में बन रहा है। और इंग्लिश में भी 40 मार्क्स बन रहे हैं, सेम पूरा बनाया था लेकिन 21 राइट है और 4 रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने आपने देख लिया कि मेरे जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं इसमें 142 बन रहे हैं। 91 मेरा अटेम्प्ट था, और चूंकि मैंने 16 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो टोटल मेरे 142 मार्क्स आ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको रैंक आई क्यू के हिसाब से आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोटल मेरा रॉ मार्क्स 142 है, और रैंक आई क्यू के हिसाब से 150 मेरे रॉ स्कोर बता रहे हैं। मेरा जो एग्ज़ाम था दोस्तों 7 दिसंबर को था, 5:15 से, यानी कि लास्ट जो फोर्थ शिफ्ट होती है ना उसमें मेरा एग्ज़ाम था, ठीक है। तो 150.55 मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर बता रहा है, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसी के आसपास ही होता है, इससे एक दो नंबर ज़्यादा या फिर कम, यानी कि 148 से 152 के बीच में मेरे नंबर आ सकते हैं जो फाइनल होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों मेरे रैंक्स कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से। रैंक आप देख सकते हैं टोटल 87,000 स्टूडेंट में मेरे 9,436 रैंक आ रहे हैं, और कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो 34,730 में 3636 मेरे रैंक आ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो शिफ्ट था उसमें एवरेज 115 मार्क्स है, ठीक है। टॉपर जो थे उनका 189 मार्क्स है, इसमें शिफ्ट का टॉपर मेरे 81-87 है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे टोटल जो मार्क्स बन रहे हैं रैंक आई क्यू के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक जारी किया जाता है, और कितने स्टूडेंट को बुलाया जाता है, और क्या मैं सिलेक्टेड हो पाता हूँ या नहीं। मुझे तो चांसेस है कि इतने मार्क्स पे 142 पे शायद सिलेक्शन तो हो ही जाना चाहिए टायर 2 के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एसएससी सीजीएल में कितने मार्क्स बन रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।